मैन दिस साइड रोहित राठौर। तो यार कई बच्चों के मेरे पास डीएम आए, भैया अभी तक हमें हमारा सिलेबस स्पेसिफाइड नहीं है, हमें सिलेबस क्लियर नहीं है। तो यार अभी एग्जाम आने वाली है आप लोगों को, अगर आपका सिलेबस क्लियर नहीं है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। मैं यहाँ पे आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। हम तीनों सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स, तीनों सब्जेक्ट के जो टॉपिक्स हैं, जो जो पार्ट ओमिट हो गए हैं, जो जो इस ईयर नहीं आ रहे हैं, सिर्फ उन्हें डिस्कस करेंगे। तो आप इन टॉपिक्स को बिल्कुल मत पढ़ना, अपना टाइम बिल्कुल मत वेस्ट करना इन चीज़ों पे। ये टॉपिक्स आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं। ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी पहले ही टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर चुका हूँ। सो अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से ज्वाइन कर लेना। मैं वहाँ पर अभी बहुत एक्टिव हूँ, आपके सारे नोट्स, आपके सारे सैंपल पेपर्स, टर्म टू के लिए सारा मटेरियल अपलोड किया है मैंने। सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मैं वहीं पर देता हूँ, तो आप उसे ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फाइनली आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। तो फाइनली सबसे पहले जो आपका अकाउंटेंसी का है सिलेबस जो डिलीट हुआ है उसे देखें। तो सबसे पहले आपका आता है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स। रिटायरमेंट्स ऑफ पार्टनर्स में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और प्रिपरेशन ऑफ लोन अकाउंट एंड रिटायरिंग पार्टनर, ये दोनों टॉपिक आपके डिलीट कर दिए गए हैं। उसी के बाद अगर आगे नेक्स्ट देखें, डेथ ऑफ पार्टनर में प्रिपरेशन ऑफ डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड एग्जीक्यूटर्स अकाउंट वाला जो आपका पार्ट है ये डिलीट कर दिया गया है, ये आपके सिलेबस में अब नहीं है। इसी के बाद जो नेक्स्ट आपका है अकाउंटिंग एंड डिवेंचर्स में तीन टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, क्रिएशन ऑफ डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, और उसी के बाद जो लास्ट है इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। तो ये तीनों टॉपिक आपके डिलीट कर दिए गए हैं। उसी के बाद जो ये तीन चैप्टर्स हैं आपका अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कंपेरेटिव एंड कंप्रेहेंसिव स्टेटमेंट और कैशफ्लो स्टेटमेंट, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं है, कोई भी डिलीटेड टॉपिक नहीं है। वही नेक्स्ट आते हैं आपके बिजनेस स्टडीज़ पे। बिजनेस स्टडीज़ में जो स्टाफिंग चैप्टर है, स्टाफिंग चैप्टर में से स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये कॉन्सेप्ट आपका नहीं आएगा। जो आपका HRM का कॉन्सेप्ट है ये आपका डिलीट कर दिया गया है। उसी के बाद जो डायरेक्टिंग चैप्टर है, डायरेक्टिंग चैप्टर में बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन और एंड हाउ टू ओवरकम द बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन आपका डिलीट कर दिया गया है। कंट्रोलिंग में रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आपका डिलीट कर दिया गया है। उसी के बाद जो आपके नेक्स्ट चैप्टर्स हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इन तीन चैप्टर्स में से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। तो ये सारे, इनमें सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। सो नेक्स्ट और फाइनल आपका इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स में जो है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स में GDP डिफ्लेटर्स, ये टॉपिक आपका डिडक्ट कर दिया गया है सिलेबस से। उसी के बाद डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में कोई चेंज नहीं है, चैप्टर में कोई भी चेंजेस नहीं है। एम्प्लॉयमेंट चैप्टर में कोई चेंजेस नहीं है। आपके जो Chapter 8 है इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें जो एनर्जी वाला जो पार्ट है आपका ओमिट कर दिया गया है टर्म टू के लिए। उसी के बाद Chapter 9 जो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कोई भी टॉपिक ओमिट नहीं है। लास्ट चैप्टर जो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ, इसमें भी कोई टॉपिक ओमिट नहीं है। इकोनॉमिक्स में एक आपका GDP रिफ्लेक्टर और एनर्जी, ये सिर्फ ये दो टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं। सो होप आपको सारा जो सिलेबस है वो क्लियर हो गया होगा। सो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे मैं सारी अपडेट्स देता हूँ, सारे सिलेबस से रिलेटेड, सारा मटेरियल, टर्म टू से रिलेटेड, सारे सब्जेक्ट की अपडेट वहाँ पे होती है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय।